हेलो एवरीवन निकिता इसरवाल कुकिंग में आपका स्वागत है इस कोरोना के टाइम पर हम सब इतना तो समझ ही चुके हैं कि कोरोना से हम सबको बचना है इस वायरस के संक्रमण से बचना है तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक आडे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे आपकी सर्दी ज़ुकाम गले का इन्फेक्शन या किसी भी तरह का संक्रमण है उससे छुटकारा मिल जाएगा साथ ही साथ इस काढ़े का आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ही आसानी से सभी के घरों में मिल जाएगी आप इस काढ़े को ज़रूर पिए बहुत ही असरदायक है तो चलिए शुरू करते हैं काटा बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बर्तन लिया है और इसमें दो गिलास पानी डालेंगे मैं यहाँ तीन लोगों के हिसाब से मेजरमेंट बताऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब इस दो गिलास पानी को पहले तो गर्म होने देते हैं तब तक हम आगे की प्रोसेस पूरी कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर एक ओखली ले ली है और हम लेंगे सात आठ काली मिर्च दो लौंग चौथाई चम्मच ली है अजवाइन एक छोटा सा टुकड़ा सौंठ और एक इलायची अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से कोट लेंगे कोटने से इनका फ्लेवर काटे में अच्छे से आ जाता है मसालों को अच्छे से कोटने के बाद आते हैं गैस की तरफ हमने जो पानी रखा था वो गर्म हो चुका है अब इस पानी में डालेंगे एक तेज पत्ता मैंने यहाँ चार पांच पत्ते तुलसी के भी लिए हैं इसके साथ ही साथ हम इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं हल्दी के गुणों से तो आप सभी परिचित हैं इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक गले में खराश है या दर्द है वो इसे बहुत ही जल्दी आराम मिलता है एक टुकड़ा मैंने यहाँ पर गुड़ का लिया है गुड़ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि काढ़ा है जो वो हार्ड हो जाता है पीने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं और गुड़ खुद गुणों से भरपूर होता है अगर आपको गुड़ अच्छा लगता है तो हमेशा चीनी की जगह गुड़ का ही यूज करें तो एक गुड़ का टुकड़ा इसलिए डाला है साथ ही साथ बच्चे बूढ़े सभी पी सकें हम इनको एक दो मिनट तक पकाएंगे एक दो मिनट बाद जो हमने मसाले कोटे थे ओखली में बस इनको डालना है थोड़ा सा मिक्स करना है फ्लेम हाई कर देनी है और इन्हें आठ से दस मिनट तक अच्छे से उबलने देना है हमको इसे इतना उबालना है कि तीन लोगों की चाय के बराबर काढ़ा रह जाए तो हमारे आठ दस मिनट हो चुके हैं आप इसकी क्वांटिटी भी देख सकते हैं कि अब कितना बचा है तो काढ़ा एकदम से बनकर तैयार है आप इसे चाय की तरह गर्मा गर्मी ही पीजिए और संक्रमण से अपना बचाव कीजिए एक ज़रूरी बात यह है कि आप इसे कभी भी पी सकते हैं जब भी आपको इसकी ज़रूरत महसूस हो या बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है घर पर रहें सुरक्षित रहें मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच